हे दोस्तों, स्कैम नाम सुनकर ही दिल में डर डर सा बैठ जाता है। लगता है कि अपना पैसा तो गया, अनलेस आप स्कैम वेब सीरीज नहीं देखना चाहते हो तो। और ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं जो सच में डरावने हैं। जैसे कर्नाटक का लैंड स्कैम 27,000 एकड़ की, मुंबई में हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, और रिसेंटली नोएडा में लैंड स्कैम 1,000 करोड़ की। पर एज एन अल्टीमेट इन्वेस्टर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम 10 ऐसे प्रॉपर्टी स्कैम और उसके सोल्यूशन के बारे में जानेंगे जो इंडिया में अक्सर देखा जाता है। जब किसी भी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, सिंगल फैमिली, मल्टी फैमिली, कमर्शियल या रॉ लैंड में, कहीं पर भी ये सारे स्कैम्स आपको देखने को मिलेगा ही। पर आप कहोगे कि अब तो रेरा है ना, वो हमें सिक्योर रखेगा। हाँ वो तो है, पर सब कुछ तो रेरा नहीं करेगा, आपको कुछ तो करना होगा। अगर आप फैक्ट्स को छोड़ के ओपिनियन पे इन्वेस्ट करोगे तो रेरा वहां क्या कर सकता है? रेरा का काम है कि लीगल वे में प्रॉपर्टी फ्रॉड से लोगों को बचाना, लीगल वे में। पर लूप होल्स हर जगह होता है, और वो बिल्डर उसका इस्तेमाल करना जानता है। वो पैसा आपका है दोस्त, और उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको 5 स्पेशल टिप्स दूंगा ऐसे खतरनाक स्कैम या फ्रॉड से बचने के लिए, जिसके इस्तेमाल से आप किसी भी स्कैम को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे और अपने पैसे को डूबने से बचा पाओगे। तो इस वीडियो को एकदम अंत तक देखना, और इन्वेस्ट करते टाइम इन 10 पॉइंट्स को जरूर जरूर चेक करना, अगर आप अपने पैसे को खोना नहीं चाहते हो तो। और हाँ, सारे बिल्डर्स या इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं होते। कुछ बहुत ही कम परसेंटेज के लोग होते हैं जो प्लान बना के ही लोगों को लूटते हैं। अगर सारे ऐसे होते तो देश में आज 100 से भी ज्यादा अच्छे रियल एस्टेट कंपनी नहीं होता, और उनका रेपुटेशन बिगाड़ जाता अगर वो ऐसा करते तो। आप जानते ही हो कि रेपुटेशन बिजनेस में कितना महत्वपूर्ण होता है। तो रेपुटेशन एक बड़ा पॉइंट है जिसे चेक करके आप ऐसे फ्रॉड से बच सकते हो। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, पर पहले उन 10 डिस्ट्रक्टिव फ्रॉड्स के बारे में जान लेते हैं जहां मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं, नाउ लेट्स बिगिन। स्कैम नंबर 1, फॉल्स प्रॉमिसेस। गुड़गांव में एक डेवलपर ने 700 इन्वेस्टर को 12% रिटर्न देने का वादा किया था, जो प्रोजेक्ट अबाउट 1,000 करोड़ की थी। पर जो चेक कंपनी ने दिया था वो सारा बाउंस कर गया, और उनका ड्रीम ड्रीम ही रह गया। पैसा पूरा पानी में चला गया, और वो कोर्ट के चक्कर काटते रहे। ऐसा हमेशा होता है कि डेवलपर कंपटीशन में आके अपने आप को खास दिखाने के लिए फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करता है। वो बताता है कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, 12% रिटर्न मिलेगा, इतना सारा एमिनिटीज मिलेगा, ये सुविधाएं, ये वो बहुत सारे। पर अंत में आपको वो सब नहीं मिलता। हाँ कुछ तो मिलता है, पर सब नहीं, जिससे आम इन्वेस्टर्स को नुकसान झेलना पड़ता है और अपना एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ता है उसे रहने लायक बनाने के लिए, जो मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ था। बिल्डर ने कहा कि दरवाजा, विंडो, टाइल्स, वो सब कुछ लगा देगा और एक्सटीरियर पेंट भी, पर कुछ नहीं दिया, और मेरे उस दोस्त को खुद पैसा लगाना पड़ा उसे रहने लायक बनाने के लिए। उसमें उसका बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो गया जो होना नहीं चाहिए था। वो बिल्डर्स ना लीगली ऐसा करते हैं, और आप वहां कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कोई आपसे फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है या कुछ बड़ा बड़ा फेंक रहा है तो सतर्क हो जाओ, और उनके पेपर्स को अच्छे से वेरीफाई करो, उनका पास्ट हिस्ट्री चेक करो, और देखो कि वो जो बोलता है कि वो करता है, पहले किया है वो देखो, तो ही आप ऐसे फॉल्स प्रॉमिस से बचे रहोगे। स्कैम नंबर 2, एस्योर्ड रेंटल रिटर्न्स। आपने देखा होगा कि कुछ कंपनी कहते हैं कि हम आपको फिक्स रेंटल इनकम देंगे अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करते हो तो, और वो कुछ डेटा भी देते हैं आपको ये मेक श्योर करवाने के लिए कि वो जो बोल रहा है वो 100% सच है। पर मैक्सिमम टाइम वो फेक होता है। अगर आप अपना ड्यू डिलीजेंस नहीं करोगे तो आप जरूर ऐसे केस में फंस जाओगे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी को लीज पे देना कोई आसान काम नहीं होता। आपको उसकी मार्केटिंग करना होता है, सही टीनेंट ढूंढना होता है, सही लीगल वे में उसे तैयार करना होता है, तभी आप कुछ रेंट वहां से उठा सकते हो। रेंट प्रॉपर्टी पे नहीं, मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट को थोड़ा जांच पड़ताल करोगे कि वहाँ कंपटीशन कैसा है, एवरेज रेंट क्या चल रहा है, और किस किस तरह के प्रॉब्लम्स इन्वेस्टर फेस कर रहा है वहाँ रेंट देने में या फिर लेने में,
में, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि वो जो प्रॉमिस कर रहा है वो कितना सही है और क्यों एक बड़ा स्कैम हो सकता है। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि डिलिजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। ड्यू डिलिजेंस के ऊपर हमने एक एंटायर प्लेलिस्ट बना दिया है जो मुझे लगता है कि हर एक इन्वेस्टर को जानना ही चाहिए। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप शांति से देख लेना और ऐसे डिस्ट्रक्टिव फ्रॉड से खुद को बचाना, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। स्कैम नंबर 3, द टाइटल स्कैम। ये सबसे बड़ा स्कैम है देश में। जितने भी स्कैम हो रहे हैं उन सब में टाइटल स्कैम सबसे बड़ा है। लोग डुप्लीकेट टाइटल कॉपी बनाते हैं और प्रॉपर्टी बेच देते हैं, खासकर जो प्रॉपर्टी बहुत देर से खाली पड़ा है। फिर बाद में देखा जाता है कि उसका बायर कोई और है, या फिर एक ही प्रॉपर्टी को 2 या 3 बार बेचा जाता है अलग अलग बायर्स को। वो फ्रॉडस्टर्स आपसे कुछ डिटेल्स छुपाते हैं, जैसे उनका कुछ ड्यू पड़ा है, मे बी टैक्स ड्यू है या कंस्ट्रक्शन पेमेंट ड्यू है, कोई डिस्प्यूट है, लीगल डिस्प्यूट, वो प्रॉपर्टी लीगल केस में फंसा है, लोन का कुछ मामला है, या फिर उसका टाइटल ओनर बहुत सारे हैं, बहुत सारे 50 से भी ज्यादा। ये सारे डिटेल्स वो आपसे छुपाते हैं और आपको वो प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास इसका पावर ऑफ अट्रॉनी है, मैं इसे बेच सकता हूं। पर जब आप उसके ऊपर एक बैकग्राउंड चेक करते हो अपने लॉयर के साथ मिलके, तो आपको पता लगता है कि सारा चीज फेक है। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से भरा है, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे डिस्प्यूट। टाइटल स्कैम से बचने का सबसे अच्छा तरीका आप अपने लॉयर से थोड़ा बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहें उस प्रॉपर्टी के ऊपर और उस सेलर के ऊपर भी, तभी आप जान पाओगे कि उसका डेटा कितना सही है और किस किस वजह से एक बड़ा स्कैम हो सकता है। एक लीगल चेक स्पेशली टाइटल में जरूर कर लेना, इसे मिस बिल्कुल भी मत करना, आपका पैसा डूब सकता है। स्कैम नंबर 4, डेलिबरेट डिले। प्रोजेक्ट को डिले करना आई थिंक टाइटल स्कैम से भी बड़ा स्कैम है इंडिया में, और ये लीगल भी है, रेरा अप्रूव भी करता है। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को कम प्राइस में खरीदा है और बाद में उसका वैल्यू बढ़ जाता है, तो वो बिल्डर प्रॉपर्टी को डिलीवर करने में डिले करता है और तरह तरह के बहानेबाजी करते रहता है, और आप गुस्सा होकर उसे कैंसिल कर देते हो और वो बिल्डर उस प्रॉपर्टी को दूसरे इन्वेस्टर को महंगे प्राइस में बेच देता है, प्लस वो आपसे कैंसिलेशन चार्ज भी लेता है। दोनों तरफ से वो बिल्डर फायदे में रहता है, नुकसान आपको झेलना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि उस पैसे को वो जगह जगह रोटेट कर देता है और प्रोजेक्ट को डिले करता रहता है, और आपको उसका EMI भरना पड़ता है हर महीने। डिलिबरेट डिलेस में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, EMI। लोगों को रेंट भी भरना पड़ता है और उस नए प्रॉपर्टी का EMI भी। दोनों तरफ से वो कस्टमर डूब जाता है, मुश्किल में पड़ जाता है। पर इसका एक सलूशन भी है दोस्तों, और वो है डिले क्लॉज। प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट साइन करने से पहले ये मेक श्योर कर लो कि वहां एक डिले क्लॉज का एग्रीमेंट भी हो कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉपर्टी कितना बनेगा और कितने दिन तक मैक्सिमम आपको पोजीशन मिल जाएगा। आपको वो एग्रीमेंट बिल्डर से लेना ही होगा, तभी आप ऐसे प्रॉब्लम से बचे रहोगे। प्लस आपको ये देखना होगा कि उस एग्रीमेंट के हिसाब से क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आपको साइट में जाकर उसे चेक करना होगा और देखना होगा कि कितना काम कंप्लीट हुआ है उस एग्रीमेंट के हिसाब से। अगर नहीं तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। डिलिबरेट डिलेस को मात देने का सबसे अच्छा रास्ता डिले क्लॉज ही है, तो उसे चेक जरूर करना, नहीं तो बिल्डर नया नया बहाना बना सकता है और प्रॉपर्टी को डिलीवर करने में डिले कर सकता है और आपको रेंट और EMI दोनों भरना पड़ सकता है, तो ये ध्यान रखना। स्कैम नंबर 5, डेविएशन फ्रॉम अप्रूव्ड प्लान्स। मतलब वो बिल्डर अपने प्लान में कुछ चेंज कर देगा, वो लेआउट दिखाएगा कि इस कॉलोनी में 5 बिल्डिंग बनेगा, एक चिल्ड्रन पार्क बनेगा या एक पूल, पर कंप्लीट होने का समय देखा जाएगा कि 5 नहीं 7 बिल्डिंग बन रहा है और छोटे पार्क को गायब भी कर दिया है, जिससे आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलेगा, किड्स के लिए कोई जगह बचेगा ही नहीं वहां खेलने के लिए, और आप अल्टीमेटली वहां फंस जाओगे। आपको जो प्रॉमिस किया जाएगा वो आपको डिलीवर वो नहीं करेंगे। वैसे प्लान में कुछ तो चेंज चलता रहता है, अब और 5 इधर या फिर 5 उधर, पर इतना नहीं, 5 बिल्डिंग की जगह 7 बिल्डिंग इतना नहीं।
इसी सिंगल रीजन की वजह से रेरा को इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में ऐसे प्रॉब्लम से लोगों को बचाने के लिए। पर ये पूरा खत्म नहीं हुआ है अभी तक, कुछ तो अभी भी चालू है। रेरा अपना बेस्ट कर रहा है ऐसे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, पर आपको भी इसका ख्याल रखना होगा। रेरा सब कुछ नहीं करेगा, आपको भी थोड़ा ख्याल रखना होगा, नहीं तो ऐसा स्कैम आपके साथ भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखना और उसके मुताबिक ही चलना। स्कैम नंबर 6, बेट एंड स्विच स्कीम। बिल्डर ना जमा के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपको बताते हैं कि हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, ये सारा बेनिफिट्स देंगे, कुछ फ्री यूटिलिटीज भी देंगे और भी बहुत सारे। पर असल में देखा जाता है कि वह कुछ हिडन चार्जेस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं, कुछ उल्टा सीधा रीजन दिखा के, जिससे प्रॉपर्टी की प्राइस हाई हो जाता है और आपको हाई प्राइस में ही उसे खरीदना होता है। पहले तो वो आपको दाना डालते हैं, फिर उसे काम पे लगा के स्विच कर लेते हैं और आप फंस जाते हो। ड्यू डिलीजेंस ये आपको बहुत मदद कर सकता है, मार्केट को अच्छे से वेरीफाई करने से आप ऐसे फ्रॉड से बचे रहोगे। जो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, जरूर देखना अगर आप ऐसे फ्रॉड से बचना चाहते हो तो। स्कैम नंबर 7, डिलेड अप्रूवल्स। प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद, पोजीशन लेने के बाद लोगों को डिलेड अप्रूवल का सामना करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्रूवल में डिले, वाटर सप्लाई में डिले, लोगों को ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और जिस वजह से वो जल्दी से जल्दी वहां शिफ्ट नहीं हो पाते। इसका कारण यह है कि उस बिल्डर ने जोनिंग कोड को सही से फॉलो नहीं किया है, लैंड को सही तरीके से यूज नहीं किया है, फ्लोर डिजाइन सही से नहीं किया है, उसमें कुछ ना कुछ रूल्स का वायोलेशन जरूर है, इसीलिए उन सबको अप्रूव करवाने में इतना डिले हो रहा है। आप अपने लॉयर से इसे जरूर चेक कर लेना, देखना कि यहाँ कोई वायोलेशन तो नहीं है लीगल रूल का, तभी ये सारा हिडन प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगा और आप उसके मुताबिक एक्शन लेके खुद को बचा सकोगे। चेक जरूर करना, हिडन बहुत कुछ होता है, चेक जरूर करना। फोर्स्ड कैंसिलेशन भी एक बड़ा इश्यू है प्रॉपर्टी फ्रॉड में। बिल्डर आपको फोर्स करता रहता है इनडायरेक्टली कि आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ दो, जिससे वो किसी और को वो प्रॉपर्टी हाई प्राइस में बेच सके, या कोई पर्सनल रीजन की वजह से भी हो सकता है वो आपको प्रॉपर्टी देने से इनकार कर सकता है। डायरेक्टली वो कुछ नहीं करता, अगर करेगा तो लीगल केस में फंस जाएगा, वो लीगल वे में फोर्स कैंसिलेशन अप्लाई करता है, कुछ उल्टा सीधा रीजन बना के, बहानेबाजी करके, जिससे उसका काम भी बन जाता है और उससे ज्यादा मुनाफा भी मिलता है। पर एथिक जैसा कुछ चीज होता है दोस्तों दुनिया में, सारे लोग ऐसा नहीं करते। मैक्सिमम कंपनी जो मैंने आपको लिया था टॉप 50 लिस्ट में, वो ऐसा नहीं करते। अगर आपने वो प्रॉपर्टी ले लिया तो ले लिया, कोई फोर्स नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, वो ले लिया मतलब ले लिया बस। इस एथिक्स की वजह से ही कुछ कंपनी आज टिका है और बाकी सारे डिस्प्यूट में फंसा है। तो आपको ये सारा कुछ चेक करना होगा। फोर्स कैंसिलेशन एक बड़ा मैटर है इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में, आपको इससे बचना होगा। स्कैम नंबर 9, सेलिंग विदाउट अप्रूवल्स। कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो बिना अप्रूवल के ही प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को सही से चेक नहीं करोगे, सही से वेरीफाई नहीं करोगे, तो आप ऐसे सिचुएशन में फंस सकते हो। हो सकता है कि बाद में उस प्रॉपर्टी को तोड़ना पड़े। अगर अप्रूवल पेपर्स ओके नहीं है तो वहां इन्वेस्ट मत करो, आप फंस सकते हो। बैंक लोन आपको यहाँ बहुत मदद कर सकता है। अगर आप देखोगे कि बैंक ने उसको लोन दिया है उस प्रॉपर्टी को बिल्ड करने में, तो प्रिटी श्योर हो सकते हो कि उसका सारा पेपर सही है, वो अप्रूव्ड है, क्योंकि बैंक ऐसा ही किसी को लोन नहीं देता, वो पहले पूरा बैकग्राउंड चेक कर लेता है फिर लोन को अप्रूव करता है। पर यह भी हो सकता है कि बैंक मैनेजर के साथ उस बिल्डर का कुछ पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर बैंक का रिसर्च कुछ काम का नहीं होगा, वो ऐसा ही लोन दे देगा। पर ऐसा बहुत कम होता है, बैंक से लोन लिया मतलब पेपर एकदम ठीक ठाक ही है, पर फिर भी आपको चेक कर लेना चाहिए एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ताला बनाया गया है, उसका चाबी भी बनाया गया है, वो सारे माहिर खिलाड़ी हैं, वो ये बात जानते हैं, वो जानते हैं कि कैसे लूपहोल्स का यूज करना है इस रियल एस्टेट की गेम में। तो आपको लीगल्स को चेक करना ही होगा, वो चेक करना ही होगा। और सबसे आखिर में कब्जा। जगह खाली है तो कब्जा कर लो, कब्जा है तो खाली कर लो। किस मूवी का डायलॉग है ये,
वो मुझे नहीं पता, पर कब्जा तो होता है और इस वजह से ही वो सारे डरावने मिथ शुरू हो गया है इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेके कि रियल एस्टेट गुंडे मावाली का देश है, आपका पैसा यहाँ डूब सकता है, आप बहुत बड़े मुश्किल में फंस सकते हो। पर वो लोग वैसे ही किसी प्रॉपर्टी को कब्जा नहीं करते। अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत दिन से खाली पड़ा है या किसी प्रॉब्लम में फंसा है तो वो लोग उसे कब्जा करने की कोशिश करते हैं और उसे ऊंचे प्राइस में बड़े बड़े बिल्डर को बेचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए पेपर्स इतना महत्वपूर्ण होता है। अगर पेपर सही नहीं होगा तो आप उन लोगों के शिकार हो सकते हो, या फिर अगर आप देश के बाहर रहते हो या फिर स्टेट के बाहर रहते हो और आपका प्रॉपर्टी दूसरे स्टेट में है और वो खाली है तो लोग कब्जा कर सकता है। इसका ध्यान आपको रखना होगा। रेरा इन सारे चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है पर 100% शायद कर नहीं पाएगा, पर वो कोशिश कर रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसे स्कैम से बचाने के लिए। पर आपको भी इसका ख्याल रखना होगा, इन 10 कॉमन स्कैम से आपको बचना होगा और ऐसे फ्रॉड या स्कैम से खुद को बचाना होगा। नाउ ये 10 स्कैम कॉमन है पर वो लोग सातिर लोग हैं। एक नया स्कैम इन्वेंट करना कोई बड़ा काम नहीं है उनके लिए, तो आपको पहले इन 10 पॉइंट्स को चेक करना होगा और फिर बाकी पॉसिबल स्कैम्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करना होगा लीगल वे में या फिर दूसरे तरीके से, तभी आप ऐसे स्कैम से बचे रहोगे। चलो अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम इससे बच सकते हैं कंप्लीटली, इस स्कैम या फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं 5 पॉइंट फॉलो करके। पहले आप एक ट्रस्टेड लॉयर को हायर कर लो जो प्रॉपर्टी में डील करता है, वो नहीं जो बस एक लॉयर है। प्रॉपर्टी लॉयर बहुत अलग होता है नॉर्मल लॉयर से, तो उसे ही चुनो जो एक रियल एस्टेट लॉयर है और जो पैसे से ज्यादा रिलेशनशिप पे विश्वास करता है, और उसे सारा पेपर सारा लीगल चेक करने के लिए कहो और उसका पर्सनल एडवाइस भी लो कि वो क्या कहता है इस प्रॉपर्टी के बारे में, उसे क्या लगता है इन सारे पेपर्स को देखने के बाद। फिर अपना खुद का डिसीजन लो और डिसाइड करो कि उसे खरीदना है या नहीं। लीगल चेक्स में आपको बहुत सारे अंदर की बातें पता चलेगा, बहुत सारे हिडन चार्जेस या हिडन चीजों के बारे में पता रहेगा, उसके बाद आप डिसीजन ले सकोगे ये स्कैम है या फिर नहीं। सेकेंड, एक थोड़ो बैकग्राउंड चेक कर लो उस प्रॉपर्टी और उस बिल्डर के ऊपर या फिर इन्वेस्टर के ऊपर। सोशल मीडिया में देखो कि लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। रेफरेंस की मदद लो, उन लोगों से मिलो जिन्होंने उस इन्वेस्टर या बिल्डर से पहले प्रॉपर्टी खरीदा है और उनका ओपिनियन लो, वो क्या सोचते हैं इस बारे में, ये कैसा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उनका ओपिनियन लो। बैंक का अप्रूवल चेक करो जो मैंने पहले ही कहा था, अगर वो लोन देता है तो सही है, अगर नहीं तो जरूर उसमें कुछ घोटाला है। डिले क्लॉज एग्रीमेंट चेक कर लेना जिससे उसकी पोजिशन में आपको कोई डिले का सामना ना करना पड़े। टाइम बाय टाइम आप उस साइट में जाओ, जाके चेक करो कि सब कुछ कैसा चल रहा है, आपके एग्रीमेंट हिसाब से चल रहा है, तो अगर नहीं तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हो। और टर्म्स को अगर हो सके तो एक बार पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना और अपने लॉयर से भी उसे वेरीफाई करवा लेना। और हाँ दोस्तों, ब्रोकर्स को भी वेरीफाई करना और बिल्डर और ब्रोकर का पर्सनल कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि ब्रोकर और बिल्डर ने मिलके कंज्यूमर को फंसाया है। तो ये चेक आप कर लेना, आप सुरक्षित रहोगे क्योंकि इस खेल में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे हिडन स्कैम होते हैं जो लोग सोचते भी नहीं, जिससे आम इंसान को आम इन्वेस्टर को नुकसान झेलना पड़ता है और उनका पैसा साल भर बहुत सालों तक डूबा रहता है, उसमें फंस जाता है उस बिल्डिंग में। तो इन सारे 10 पॉइंट्स को चेक करना और 6 सिक्योरिटी स्टेप्स को जरूर चेक कर लेना उस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले, तभी आप ऐसे प्रॉब्लम से बचे रहोगे, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि इन सारे स्कैम में कौन सा स्कैम सबसे ज्यादा घातक है और आपने किसको देखा है अपने पूरी लाइफ में, नीचे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो काम का लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ और उन लोगों को बचाओ जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर खरीदने की सोच रहे हैं, जिससे वो लोग भी ऐसे स्कैम से खुद के पैसे को बचा सके। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग इन डेप्थ क्वालिटी वीडियोस पाने के लिए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड बी सेफ दोस्तों।